गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन लिट्रा वैली स्कूल ड्राइंग क्लास। आज हम लोग बनाना सीखेंगे मधुबनी पेंटिंग का मोटिव, ठीक है। ऐसा इसके लिए हम लोग को चाहिए हैंडमेड वाइट शीट। हैंडमेड पेपर नहीं है तो ड्राइंग कॉपी पे भी बना सकते हैं, वो मोटा पेपर होता है। पेंसिल, रबर और जेल पेन और स्केल, ठीक है। पहले भी आपको मधुबनी पेंटिंग का मोटिव मैं बताई हूँ, आज फिर बता रही हूँ। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसके बॉर्डर के लिए हम लोग इतना स्पेस छोड़ देते हैं। आप लोगों को तो मैं बॉर्डर बनाना सिखाई हूँ, आप लोग इस पे बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको मोटिव सिखा रही हूँ। ठीक है, मेरे पास इतना स्पेस है, इतना स्पेस में मैं बॉर्डर बना दूंगी। हम लोग इससे बनाएंगे बर्ड। उसके लिए हम लोग एक ऐसे छोटा सा सर्कल करेंगे उसके हेड के लिए, ठीक है। ऐसे एक सीधा लाइन खींच के पेंसिल बिल्कुल हल्का चलाइएगा। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। इसको आप, इसका आप कार्ड भी बना सकते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग, इसका मोटिव बना के आप उसको कलर करके आप उसको कार्ड भी बना सकते हैं, कार्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। लीफ बिल्कुल हल्का पेंसिल चलाना है, ठीक है। अब हम लोग इसको जेल, ब्लैक जेल पेन से लाइन करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास ब्लैक जेल पेन नहीं, मेरे पास ब्लैक मार्कर है, ठीक है। इससे हम लोग लाइन करेंगे। हम लोग आउटलाइन कर लेंगे ब्लैक जेल पेन से। तो ब्लैक मार्कर अगर आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बॉर्डर का, बॉर्डर होना बहुत ज़रूरी है, इतना आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग में हमेशा ही बॉर्डर बनेगा, तभी कोई पेंटिंग बनेगा, ठीक है। मैं भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अगर ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैं आप लोग को बॉर्डर बनाना सिखा दूँगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बॉर्डर डिज़ाइन फिर से सिखा देंगे। पेन से ब्लू कलर का जो जेल पेन है उससे इसको हम लोग लाइन करेंगे, ठीक है। आप कैसा भी कर सकते हैं, मेन हमको लाइन से भरना होता है मधुबनी पेंटिंग, तो आप उसको लाइन से भरिए, ठीक है। मैं इस, अब इसके लिए मैं ऑरेंज बॉडी में ऑरेंज कलर डालूंगी, ठीक है। तो मैं चार लाइन सीधा, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, बस देखने में खूबसूरत लगना चाहिए। अब जैसे लाइन खींच सकते हैं वैसे लाइन खींचिए, सुंदर सुंदर, सीधा सीधा। ठीक है, लाइन से इसको भर दिए। इस तरफ दूसरा कलर कर देंगे। ये जो निकला हुआ है इसका, इसमें हम लोग ग्रीन कलर कर देंगे।
चिड़िया का जो पंख होता है ना, ये मैं पंख इसके पंख को थोड़ा सा बाहर निकाल दी हूँ, ठीक है। ऐसा स्क्वायर स्क्वायर छोटा छोटा महीन महीन, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा ऐसा करके ऐसा कट कर दीजिए। फिर इसके पूंछ में टेढ़ा टेढ़ा एकदम, और सटा सटा के भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान से। इसके चोंच को हम लोग रेड कलर से कर देंगे, ठीक है। और फ्लावर को कोई रेड फ्लावर, कोई ब्लू फ्लावर, ऐसा करके पिंक, कोई भी फ्लावर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मधुबनी पेंटिंग ऐसा बनके तैयार हो गया। आप प्रैक्टिस कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।